Hello friends, welcome to Capstone Learning. So now we are going to start with Prelim Gyan series, and in this we will be covering the daily current affairs MCQs for 31st of March. So ab ye Kaveri and its tributaries look cleaner as pandemic puts a halt to pollution. So basically abhi human activity काफी कम हो गई है, इसलिए जो factories जो हैं वो बंद हैं, उसका main benefit क्या हो रहा है? Ecologically जो system है हमारा वो क्लीन हो रहा है धीरे धीरे। तो इस आर्टिकल के अंदर भी ये बताया गया है कि कैसे जो कावेरी रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो धीरे धीरे क्लीन होती जा रही हैं, और हमें इसकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू रहे आने वाले फ्यूचर में, कि कैसे हम रिवर्स को क्लीन रख सकते हैं। तो प्रीलिम्स 2015 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज उन्होंने डायरेक्ट पूछ ली थी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, काबिनी, हेमावती, शिमसा, लक्ष्मण, तीर्था। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। तो सिंपल, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये, कुछ डिफरेंट इसमें नहीं है। तो काबिनी, हेमावती, शिमसा, लक्ष्मण, तीर्था, ये चारों की चारों जो है ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आपको एज इट इज इसको याद रखना है। नोवल एयर प्योरीफायर टू डिसइनफेक्ट द हॉस्पिटल इन कोविड-19 फाइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को फंड किया था जिसके तहत पूना के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी जो पार्क है वहाँ पे एक नया एयर प्योरीफायर को इन्वेंट किया गया है, जिसका नाम रखा है साइंस टेक एरॉन, साइंस टेक AER एयर ऑन। ओके, तो ये एयर प्योरीफायर है। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि ये साइंस टेक एरॉन एक एयर प्योरीफायर है। अब इसके अंदर एक और बात की गई है कि जो फंडिंग की जाती है ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की, वो निधि प्रयास प्रोग्राम के तहत की जाती है, ठीक है, निधि प्रयास प्रोग्राम। और इसको कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अंदर। अब आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको बोल देंगे कि निधि प्रयास जो है ये MHRD के अंदर है। तो MHRD के अंदर नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक प्रोग्राम है। अब प्रीलिम्स 2016 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज ग्रीस लाइटनिंग 10 रिसेंटली न्यूज। ओके, तो ये नासा का एक प्लेन था। अब हम क्वेश्चन अगर बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, व्हाट इज साइंस टेक एरॉन रिसेंटली इन न्यूज, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो अब आपको पता चल गया कि ये एयर प्योरीफायर है, पूरी डिटेल इस आर्टिकल में दे रखी है। तो कैसे हमें पढ़ना है अब आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू निधि प्रयास प्रोग्राम। ओके, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेक्ट। अंडर दिस प्रोग्राम एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर सपोर्टेड विद प्रयास ग्रांट टू सपोर्ट इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली पैसे दिए जाते हैं, फंडिंग दी जाती है इनक्यूबेटर्स को, ताकि वो जो है इनोवेशन जो है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकें। तो सी इज द राइट आंसर, ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब ये इसका आगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक ने निधि प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसके अंदर प्रयास ग्रांट मिलता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको याद रखना है। फिर मैक्सिमम ग्रांट आपको 220 लाख का मिल सकता है, तो ये भी हमें याद रखना है, जो अमाउंट है मैक्सिमम 220 लाख है। व्हाट इज बीइंग स्प्रेड ऑन माइग्रेंट, इज इट सेफ। तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर कुछ जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं उन्होंने माइग्रेंट्स जो लेबरर्स आ रहे थे उनके ऊपर डिसइंफेक्टेंट छिड़क दिया। अब जो डिसइंफेक्टेंट छिड़का उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट वो छिड़क दिया माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर। तो अब हमें सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक तो इस आर्टिकल में लिखा है कि ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी काम किया जाता है, करता है ब्लीचिंग एजेंट भी है ये, डिसइनफेक्टेंट भी है ये। तो देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सोडियम हाइपोक्लोराइट। ओके, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम होता है, डिसइनफेक्टेंट की तरह भी इसका यूज होता है, और ओडर रिमूवल, गंदी स्मेल को रिमूव करने में भी इसका यूज होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज लार्जली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, केमिकल एंड फूड इंडस्ट्री, ये भी करेक्ट है।
पीपल एक्सपोज टू सोडियम हाइपोक्लोराइट कैन सफर कफिंग, सोर थ्रोट, इट कैन ऑल्सो कोज स्टमक एक, बर्निंग सेंसेशन, डायरिया, वॉमिटिंग और स्किन पे रेडनेस और पेन भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये सोडियम हाइपोक्लोराइट करता है। अब कितना खराब किया पब्लिक फंक्शनरीज ने, लोगों पे छिड़क दिया। सो डी इज द राइट आंसर, इसलिए ये न्यूज़ में भी आ गया था। फोर बायो सी एन जी प्लांट्स टू कम अप इन सिटी बाय जून। तो बायो सी एन जी क्या होती है उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब प्रीलिम्स 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, देखो ये हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी पे क्वेश्चन था, तो बायो सीएनजी पे भी आपको पता होना चाहिए बायो सीएनजी क्या होती है। बेसिकली बायो सीएनजी हम बोलते हैं प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस, ओके, ये इसी में दे रखा है प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस। इसके अंदर हम करते क्या है कि अनवांटेड गैसेज हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जिससे प्योर मिथेन गैस वो रह जाती है और उसको हम यूज करते हैं। तो बायो सी एन जी आपकी क्या हुई, हाईली प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस। अब ऐसा ही क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं हम बायो सी एन जी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अब ये जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने संरक्षण करके एक स्कीम चलाई है, जिसके तहत जो आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको रिनोवेट किया जाएगा, संरक्षण। अब ये फोटो में होयसलेश्वरा टेम्पल जो है उसकी बात की गई है, और ये भी बताया गया है कि ये 12th सेंचुरी एक टेम्पल है और ये किंग विष्णुवर्धना के राज में बनाया गया था। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसा बना सकते हैं हम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू होयसलेश्वरा टेम्पल, दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, रॉन्ग, ये एक वसेरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, ओके, वसेरा स्टाइल। तो ये हमें मालूम होना चाहिए वसेरा स्टाइल क्या होता है, ये हाइब्रिड होता है, किस किस का, नगरा और द्रविड़ा का, नगरा प्लस द्रविड़ा दोनों के फीचर होते हैं इसके अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हाइब्रिड स्टाइल होता है, वसेरा स्टाइल होता है, और जो होयसलेश्वर टेम्पल है ये वसेरा स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। स्टार लाइक ग्राउंड प्लान इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ होयसलेश्वरा टेम्पल, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, स्टार फॉर्म के अंदर इसके टेम्पल होते थे और ये डिस्टिंक्ट फीचर है इसका, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द रेन ऑफ विष्णुवर्धना, 12th सेंचुरी के अंदर बनाया था, तो ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से बी 2 and 3 आर करेक्ट। तो आगे देखते हैं, बता दिया आपको वसेरा स्टाइल का टेम्पल है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट, थैंक यू।